guys, welcome or welcome back to my channel. My name is Renu and if you are new here, please subscribe to my channel and hit the bell icon so main jab bhi video dalu to aapko pata chal jaye. So in today's video I'm going to share with you what I have ordered from H&M. H&M ke kuch selected products par abhi bhi bahut achi sale chal rahi hai, up to 70%. I think bags ko chhod kar sabhi cheezon par aapko 70% off chal raha hai. Affordable aur trendy clothes ki bari aati hai to I love to shop from H&M. H&M my favorite place hai. Agar main Zara se compare karti hu to obviously kafi affordable hai aur aapko inki 799 के रेंज में काफी कुछ मिल जाता है और उसके अलावा भी काफी 50-70% ऑफ चल रहा है. तो मैंने काफी सारी चीजें ऑर्डर की हैं. सो इस वीडियो में आपके साथ वही शेयर करने वाली हूँ कि मैंने H&M से क्या क्या ऑर्डर किया है. सो विदाउट फर्दर ड्यू लेट्स गेट स्टार्टेड. स्टार्ट विद दिस ट्राउजर्स. इस पे बहुत 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 अच्छा डिस्काउंट आपको इस टाइम मिल रहा है. ये ओरिजिनली आई थिंक 1499 रुपीज की हैं और आपको सिर्फ ये 499 रुपीज किस टाइम मिल रही हैं. इसमें आपको डिफरेंट डिफरेंट ऑप्शंस मिल जाएंगे. जो मैंने ली हैं वो ली हैं ये वाली ब्लू एंड बेज कलर का ली हैं, चेक्ड वाली ली हैं. आपको इसमें डिफरेंट कलर्स मिल जाएंगे, ब्लैक एंड बेज का ऑप्शन मिल जाएगा और काफी सारे मिल जाएंगे. अगर आपके पास ऐसी कोई भी ट्राउजर्स नहीं है तो डेफिनेटली आप इसे आंखें बंद कर ले सकते हैं. ये काफ़ी अच्छी है, परफेक्टली साइज वाइज भी मेरे को बहुत अच्छी लगी. अगर इसका मटेरियल हम बात करते हैं तो काफ़ी अच्छा है. H&M की जीन्स एंड ट्राउजर्स का आपको पता ही है कि कितनी अच्छी क्वालिटी होती है. 499 रुपीज़ के मिल रही हैं, बिल्कुल स्टील डील है. अगर आप ऐसे कोई ट्राउजर देख रहे हैं, नहीं भी देख रहे हैं तो ले लीजिए, काफ़ी अच्छी हैं. और इसी के साथ इसे काफ़ी अच्छे से स्टाइल कर सकती हूँ. एंड विंटर्स में चेक्ड स्कर्ट्स हों या फिर ट्राउजर्स हों, काफ़ी अच्छी लगती हैं. नेक्स्ट आई गॉट दिस जो काफ़ी अभी ट्रेंड में है, दिस वेस्ट टॉप. इसका जो मटेरियल है अंदर से काफ़ी वुलन वाला है, ऊपर से ये कॉटन का है. इसमें भी आपको डिफरेंट कलर्स मिल जाएंगे. मैंने वाइट लिया है एंड आई एम इन द साइज लार्ज. इसमें इसमें आपको स्मॉल मीडियम भी ले सकते हैं. आई थिंक मीडियम परफेक्ट रहेगा बट मैंने थोड़ा सा ओवर साइज लिया है तो मैंने लार्ज लिया है. और ये काफ़ी अच्छा लग रहा है. वी नेक है, नॉर्मल वेस्ट एंड ओरिजिनली इट वॉज फॉर 799 रुपीज़ और मेरे को ये सिर्फ 499 रुपीज़ का पड़ा. बट अभी इस पर कोई भी डिस्काउंट नहीं मिल रहा है. अभी ये सिर्फ 799 रुपीज़ का पड़ रहा है, इस पर कोई डिस्काउंट नहीं है. इसमें आपको ग्रे कलर एंड ब्राउन कलर भी आई थिंक मिल रहा है, वो भी काफ़ी अच्छे हैं और उस पर भी कोई डिस्काउंट नहीं है. अभी 799 रुपीज़ का ही है आपको. मूविंग ऑन टू नेक्स्ट टॉप और हुडी जो मेरे मैंने ली है, दिस बेज कलर की हुडी. ये भी मैंने थोड़ी सी ओवर साइज ली है. ये मैंने इसमें लार्ज साइज लिया है और इस पर भी काफ़ी अच्छा डिस्काउंट मिल रहा है. आई थिंक ओरिजिनली इट वाज 1299 रुपीज़ और अभी ये सिर्फ आपको 799 रुपीज़ में पड़ रही है. ये इसमें हुड भी है और इस तरीके से ये ओवर साइज है, साथ में अंदर ये वाली पॉकेट्स भी हैं. काफ़ी ही स्मार्ट लग रही है, काफ़ी अच्छी लग रही है. मतलब एक बेसिक टॉप के ऊपर अगर ये डालते हैं तो काफ़ी कूल और काफ़ी अच्छी लगती है. और मटेरियल की अगर मैं बात करती हूँ तो काफ़ी थिक है और डिफरेंट तरीके से स्टाइल डेफिनेटली मैं इसे कर सकती हूँ. नेक्स्ट जो मैंने लिया है वो दोबारा से बहुत ही ट्रेंड में है, दिस जंपर, ब्राउन जंपर. ये आजकल कलर जो है काफ़ी ट्रेंड में है और ये मेरा नॉर्मली भी मेरा फेवरेट कलर है, मुझे बहुत पसंद है. इसकी कुछ लॉन्ग स्लीव्स हैं, वी नेक है और काफ़ी शॉर्ट है, मतलब काफ़ी क्रॉप्ड है. अगर हाई वेस्ट जीन्स के साथ ये परफेक्टली जा रहा है और काफ़ी कूल लग रहा है. इसमें भी आपको डिफरेंट डिफरेंट कलर्स मिल जाएंगे. मेरे को ब्राउन ही लेना था तो मैंने ये ब्राउन लिया है. इस पर भी कोई डिस्काउंट नहीं है. ये भी ओरिजिनली इट वॉज फॉर 799 रुपीज़ और आई थिंक अभी भी ये 799 रुपीज़ का ही मिल रहा है. जो H&M की 799 वाली रेंज है मुझे बहुत अच्छा लगता है. इसमें आपको काफ़ी अफोर्डेबल और ट्रेंडी ऑप्शंस काफ़ी मिल जाते हैं एज कम्पेयर टू ज़ारा या फिर हम किसी से भी कंपेयर करते हैं तो. नेक्स्ट आई शैकेट जो मुझे स्टील डील लगी, दिस आई गॉट इट फ्रॉम मैन सेक्शन. क्विक टिप, अगर आपको कोई शर्ट या फिर जैकेट देख रहे हैं तो हमेशा ही मैन सेक्शन पे वो रीजनेबल मिल जाती है और इस पर भी काफ़ी अच्छा डिस्काउंट मिल रहा है. आई थिंक ये 1299 रुपीज़ या 1499 रुपीज़ की ओरिजिनली है और ये अभी सिर्फ 799 रुपीज़ की मिल रही है. अभी भी इस पर डिस्काउंट चल ही रहा है. इसका कलर है ब्राउन कलर है और सबसे बेस्ट पार्ट है इसमें फोर पॉकेट्स हैं. यस, 1, 2 एंड 3, 4. और इसका जो स्टाइल है मुझे काफ़ी अच्छा लगा. और जो मैंने साइज जो लिया है वो इसमें एक्सेस लिया है क्योंकि ये ऑलरेडी थोड़ा सा ओवर साइज थी. अगर आपको थोड़ा सा और लेना है तो आप स्मॉल या मीडियम ट्राई कर सकते हैं. इसकी कुछ ऐसे लॉन्ग स्लीव्स हैं, बटन्स हैं
और मतलब काफी अच्छी लग रही थी ये जैकेट। और डेफिनेटली ये भी मैं बोलूंगी, अगर आपके पास ऐसा कुछ नहीं है तो आपको ये लेना चाहिए। नेक्स्ट आई गॉट दिस स्वेटर जो मैंने मिंत्रा से ऑर्डर किया है H&M से, और इसकी जो लॉन्ग स्लीव्स बेल शेप स्लीव्स हैं, और ये इन सब में से काफी वॉर्म है, काफी अच्छा इसका मटेरियल है। और वैसे ही ऑफ शोल्डर है, वैसे ही ऑफ शोल्डर है बट ऑफ शोल्डर नहीं डालना है, तो ये वैसे भी काफी अच्छा लगता है पहनने के बाद। लूज फिटेड स्टाइल है ये, आई मीन द साइज एक्सेस, इसमें एक्सेस में ही ये काफी लूज फिटेड है, परफेक्टली क्रॉप्ड है ये, और मुझे काफी अच्छा लगा। और मुझे काफ़ी अच्छा लगा, आई डोंट थिंक सो इस पर अभी कोई डिस्काउंट है। सभी के प्राइस एंड लिंक आपके साथ डिस्क्रिप्शन बॉक्स में शेयर कर दूंगी। आई गॉट दिस ग्रे स्वेटर, इसकी हालत इसलिए ऐसी है क्योंकि अभी धुला है ऐसा, और ये काफ़ी अच्छा लग रहा था मुझे, तो मैंने ये भी मैंने मिंत्रा से ही ऑर्डर किया है। आई मीन द साइज स्मॉल इसमें, और ये भी काफ़ी लूज फिटेड है। और अगर इसके नेक की बात करते हैं तो ये हल्का सा डीप नेक है, हल्का सा डीप नेक है, और ये भी काफ़ी स्मार्ट लग रहा है और काफ़ी वार्म भी है। ये काफ़ी अच्छा लगा मुझे, और इस प्राइस में ये आई थिंक 650 rupees का मुझे पड़ा प्राइस में, तो ये बिल्कुल बिल्कुल वर्थ इट है, मुझे बहुत ही अच्छा लगा। नेक्स्ट आई गॉट दिस बेल्ट जो मुझे काफी अच्छी लगी तो मैंने ले ली, ये 799 rupees की है, लूज फिटेड ड्रेस के साथ है, काफी अच्छी लगेगी उसको टाइट करने के लिए, अगर कुछ भी आपके पास ऐसा लूज फिटेड स्वेटर है या फिर ड्रेस है तो काफी अच्छी लगती है, काफी अच्छी मुझे लगी, और आपको काफी सारे ऑप्शन मिल जाएंगे। आई गॉट दिस बैग, काफी सोच विचार करने के बाद मैंने फाइनली इस बैग को ले लिया है। अगर मैं इसके साइज की बात करती तो काफी अच्छा है, परफेक्टली थोड़ा गंदा है क्योंकि मैं ऑलरेडी इसे यूज कर रही हूँ, और मैंने मतलब काफी सोचा, ये आई थिंक 1000 something का कुछ ऐसा बैग है, मैंने अलग अलग वेबसाइट्स इंस्टाग्राम स्टोर्स पे भी देखा, बट जो ये मटेरियल है ना, ये वाला मटेरियल मुझे कहीं नहीं मिल रहा था, H&M से ले लिया, और ये मेरे को काफी अच्छा लगा, काफी स्पेस वाइज अच्छा है, एंड मटेरियल ऑब्वियसली H&M के काफी अच्छे होते हैं। इस ऐसे शोल्डर बैग्स बहुत ट्रेंड में है, आपको बहुत सारे हर जगह ऑप्शन मिल जाएंगे, एंड इस पर कोई डिस्काउंट नहीं है, आई थिंक बैग्स पर कोई भी डिस्काउंट नहीं है, ये 1000 something का है, इतने का ही मेरे को मिला, और ओरिजिनली प्राइस भी इसका इतना ही था। नेक्स्ट आई गॉट दीज ब्लू पैंट्स, सो मुझे बहुत अच्छी लगी, इस पर कोई डिस्काउंट नहीं है, आई थिंक इट्स 1299 rupees की ओरिजिनली थी, और मेरे को भी ये इतनी ही पड़ी है, और मुझे काफ़ी अच्छी लग रही थी तो मैंने ले लिया, और मेरे पास ऐसा कुछ नहीं है, अगर आपको ऐसे कुछ पैंट्स लेनी है तो इस प्राइस में आई थिंक वर्थ इट है, काफ़ी अच्छा मटेरियल है, एंड ये ब्लू कलर में है, और ये और कलर्स में भी थी जहाँ तक मुझे लगता है, साथ में इसके कुछ ऐसे स्ट्राइप्स हैं जो काफ़ी अच्छी लग रही है, नीचे से जो बटन्स हैं, जो बटन्स हैं वो ओपन भी कर सकते हैं, तो ये काफ़ी क्यूट लग रही थी, एंड मटेरियल काफ़ी थिक है, मतलब विंटर्स के लिए बिल्कुल परफेक्ट है, और गर्मी के समर्स के लिए बिल्कुल भी ऐसा नहीं है कि गर्मी लगने वाली है, बिल्कुल परफेक्ट मटेरियल है। सो इट्स ऑल फॉर टुडेज वीडियो गाइज, आई होप ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी, अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी है तो डोंट फॉरगेट टू शेयर, लाइक एंड सब्सक्राइब, एंड प्लीज़ प्लीज़ सब्सक्राइब। अब मैं मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।